तो लगातार देश की बहस में आज देश हित से जुड़े हुए मुद्दे पर बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक आखिर किसकी गलती है, किसका फेलियर है और ये कैसे हुई? हमारे साथ लगातार हमारी ऑडियंस भी जुड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। संजू वर्मा, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ परविंदर पाल सेठी जी भी हैं, स्पोक्स पर्सन अकाली दल के। संजू वर्मा जी, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी तो कोई गलती नहीं थी, इनकी स्टेट गवर्नमेंट की भीड़ नहीं जुटी इसीलिए रैली रद्द कर दी। 122 किलोमीटर का रोड ट्रिप कौन लेता है? एसपीजी सारे कॉल्स ले रही थी और ऐसे में आप एसपीजी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं दोबारा अपनी बात दोहराना चाहती हूं, आज जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री के साथ जानलेवा हमला हो सकता था, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके नीचे काम करने वाली जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वहां के डीजीपी हैं और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं, जो सीधा सीधा रिपोर्ट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को, इन सबको जवाबदेही देनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। एसपीजी को गलत इनपुट दिए चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने। और मैं कहती हूं, आप संजू वर्मा पर विश्वास मत कीजिए, भाजपा के नेताओं पर विश्वास मत कीजिए, स्मृति ईरानी पर विश्वास मत कीजिए, पर कांग्रेस के खुद के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया में दो चीजें कही हैं, मैं दोहरा रही हूं। पहली बात, चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए अल्टरनेटिव रूट नहीं दिया। सवाल है, अल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं दिया जब प्रधानमंत्री ने कहा मैं हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जाऊंगा। दूसरी बात, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने ये कहा, हाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भरपूर और भारी चूक हुई है चन्नी की सरकार से। सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर निशाना करते हैं और यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को भाषण देते थे। एक चीज कहना चाहूंगी, आप इनकी मानसिकता देखिए, जब से राहुल गांधी गए हैं दो दिन पहले ये लोग चीन को लेकर तालियां बजा रहे थे, भाई चीन ने भारत ठीक है, चीन के मुद्दे पर नहीं आते, पंजाब के मुद्दे पर ही रहते हैं। आज का मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। आलोक जी जवाब दें। एक सवाल इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगी आलोक जी, कि अगर वाकई में रैली में भीड़ नहीं थी तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए थे। आप वहां तक रैली स्थल पे खाली कुर्सी दिखाते, वो ज्यादा फायदा देती कांग्रेस को। मैं 10 सेकंड अपनी और बात कहना चाहती हूं। संजू वर्मा जी, आलोक जी भी कहना चाहते हैं, वक्त की कमी है, आपके पास दोबारा लौटूंगी। प्रधानमंत्री जी के काफिले को कांग्रेस ने नहीं रोका है, कांग्रेस ने कहीं किसी काफिले को नहीं रोका है। मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, बीजेपी के लोग वहाँ झंडा लेकर क्या कर रहे हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने नहीं रोका। एक सेकंड संजू वर्मा जी, आप बिना किसी रोक टोक के पूरे एक मिनट बोली, पूरे एक मिनट बोली बिना रोक टोक के, अब इन्हें भी सुन लीजिए ना, जवाब जनता को जान लेने दीजिए। जाता हूँ, 20 मिनट बोलने देती, पूरे शो में आप अपना काम कीजिए। आपको प्रवक्ता जितनी आप उतनी बनी रही है, मुझे मत बताइए डिबेट करनी कैसे होती है, ठीक है? संजू वर्मा जी, आप मुझे मत सिखाइए। आलोक जी जवाब दीजिए। पिनाज जी, भाषण देना सिर्फ आपका काम है, ठीक है? ठीक है, शांत हो जाइए। पिनाज जी, ऑल्टरनेट रूट दिया गया है, पिनाज जी ऑल्टरनेट रूट दिया गया है। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ऑल्टरनेट रूट की कॉपी एसपीजी के पास है और उसकी कॉपी की एक डिटेल, कौन कहां बैठेगा, ये सेक्रेटरी साहब को लिखा गया है। ये चिट्ठी है संजय भावसार जी की और इसके अंदर एक जो ई कॉलम है उसमें स्पेशली लिखा गया ओनली टू एसपीजी। ये लोग झूठ बोलते 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 पता नहीं कहां देश को पहुंचाएंगे। ये 4 तारीख की चिट्ठी है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 1 की 4 जनवरी की। अब चीजें धीरे धीरे छन कर बाहर आ रही हैं। ऑल्टरनेट दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चल गया कि वहां पर क्लियर है, इसकी जानकारी दी गई कि नहीं दी गई, ये भी बता दीजिए ना। मैंने आपसे कहा ये भी बता दीजिए, आप इतना क्लियर कट ये बता रहे हैं रूट क्लियर है कि नहीं, ये डीजी ने कहा कि नहीं कहा। मैं फिर कहूंगा पिनाज जी, किसी ने 122 किलोमीटर का रूट था। एक मिनट पिनाज जी एक मिनट, क्या ऑल्टरनेट रूट जब दिल्ली से भटिंडा गए मोदी साहब तो क्या उनको ग्राउंड का रूट दिया गया था ऑल्टरनेट? 122 किलोमीटर प्रधानमंत्री ट्रेवल कर रहे हैं 10 मिनट के नोटिस पर। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो बाई रोड जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी तय करते हैं या सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं? आलोक जी, आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आप फिर अल्टरनेट रूट दिया गया इंदु, ठीक है संजू वर्मा जी। दूसरी चीज संजू वर्मा जी जवाब दें।
पिनाज एक सेकंड आलोक जी, आपने आरोप लगाया, जवाब तो संजय जी देंगी ना। मैं फिर कह रहा हूँ ऑफिशियली जवाब तो लेने दीजिए आलोक जी। एसपी जी को अल्टरनेट रूट दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने मना किया। जवाब तो सुन लीजिए संजू जी, जवाब दीजिए आलोक जी। आलोक जी जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए आलोक जी। पिनाज जी मैं दोबारा एक चीज कहना चाहूंगा, आपने वापस इनको स्क्रीन पर दिया है जब ये एक सेकंड आलोक जी संजू जी जवाब दीजिए। अच्छा स्क्रीन पर केवल बीजेपी वालों को, अरे एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड आलोक जी, मुद्दे की बात कर लीजिए एक मिनट, उनसे जवाब ले लीजिए, आपने आरोप लगाए तो। संजू जी जवाब दीजिए। मशहूर कहावत है, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी दिखते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, आप ये बताइए कि आपसे आज इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सब चीजें एक तरफ, जब आपको बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से एसपी जी को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, प्रधानमंत्री का फोन क्यों नहीं दिया गया, सिक्योरिटी ब्रीच का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई है तो एसपी जी है। कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर पाएंगे आप लोग, जिस दिन जांच शुरू हो जाएगी एसपी जी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। एसपी जी के अधिकारियों को जिस दिन कटघरे में खड़ा करेगा बीजेपी के, पूरा उसका क्या हुआ था कैसे हुआ था सब पता चल जाएगा। एसपी जी को नोटिस दीजिए, एसपी जी को समन कीजिए कि कैसे हुआ। लोग आपको गुंडे क्यों नहीं कर रही है होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री डरती है क्या एसपी जी से? होम मिनिस्ट्री एसपी जी को पैरामिलिट्री फोर्सेस को नोटिस क्यों नहीं दे रही है? हमारे पैनल के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। 10 घंटे 12 घंटे हो गए हमारे पैनल पे, हम सभी 10 घंटे 12 घंटे हो गए। सत्येंद्र जैन भोपाल से हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन बोलिए, आप क्या पूरी डिबेट सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं बिल्कुल, ये जो भी घटना हुई है ऐतिहासिक हिस्टोरिक हो गई है और एक एक ब्लैक स्पॉट है हमारे भारतीय राजनीति में, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है किसी दल के नहीं होते हैं, वो संवैधानिक पद होता है। और मेरा तो यही मत है कि इसमें आज जो हुआ है संविधान का अपमान हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है जी। स्टेट की जिस तरीके से स्टेट के लोग जो लोग बता रहे हैं और भी वीडियो वायरल हो गए हैं, उसमें साफ साफ आ रहा है कि वहां की जो पुलिस थी उस पुलिस ने एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया है, और अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया होता तो वो चाय नहीं पी रहे होते रोड पर। ठीक है, तो चाय पीते हुए बढ़िया लोगों से बात कर रहे हैं जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ में, आलोक जी बात कर रहे हैं, आलोक चाय जी पी रहे हैं उनको रोड। वीडियो आपने देखा, आपने बीजेपी के झंडे वाला वीडियो तो दिखाया, लेकिन आपने वो वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें पुलिस जो है जो प्रोटेस्टर्स है उन्हें हटाने के बजाय उनके साथ चाय की चुस्कियां ले रही है, गप्पे मार रही है, और वहां पर एक शख्स खड़ा होकर प्रधानमंत्री के रूट में अवरोध पैदा करने की बातें कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये दर्शक का सवाल है। पिनाज जी बड़ा दुखद है कि नेशनल मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि लोकल पुलिस ने एसपीजी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया। एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए एसपीजी तमाम एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती, एयरफोर्स से लेकर ग्राउंड फोर्सेस तक एसपीजी का काम है। एसपीजी करेंगे कवर देखती है कि कैसे हवाई जहाज से कैसे सिक्योर, बीच में फिर बोलने लगेंगे चुप नहीं रह सकते। यही तो गंदी आदत है बीजेपी की। मैं आपको टेक्निकल चीज बना रहा हूं, सुनिए इसको। एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है, मैंने चिट्ठी दिखाई एसपीजी की और एसपीजी की मैंने तारीख बता दी कौन सी तारीख है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की चिट्ठी है ये, आलोक जी मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। फिर चन्नी जी रात के 3 बजे उठ के, चन्नी जी रात के 3 बजे फोन पर किन प्रदर्शनकारियों को हटने की अपील कर रहे थे? अगर प्रधानमंत्री और एसपी जी ने अचानक से ये पूरा रूट बनाया, अचानक से ही सब कुछ हुआ और सब कुछ एसपी जी की जिम्मेदारी थी, तो चन्नी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रात के 3 बजे जाग के वो रूट क्लियर कराने के लिए वहां बैठे किसानों से, वहां बैठे प्रदर्शनकारियों से लगातार टच में थे। या तो वो झूठे या ये झूठे। इनके पास सिर्फ एक टूल किट है, एक टूल किट के मुताबिक। कुलदीप जी जवाब ले लो, जवाब ले लो, और फिर एक मिनट कुलदीप जी, बस हो गया, टूल किट कराया गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं अभी तो आप कह रहे हैं जानकारी नहीं थी, फिर आप कह रहे हैं रात के 3 बजे हमारे सीएम साहब जाग के दूर करा रहे थे। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर परविंदर कह रहे हैं, ठीक है जी जी बोलिए बोलिए पूरी बात कीजिए। नहीं वो धरना तो 3 बजे से क्या धरना तो पिनाज जी वो तो लगातार चल रहा है।
और एसकेएम ने कहा कि जगह जगह हम उनका मोदी जी का विरोध करेंगे, उसका इस रूट से लेना देना नहीं है। अच्छा, जगह जगह किसान बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव लड़ने की बात की है, उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री महोदय का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे। आलोक जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। सुबह 10:30 बजे आप कह रहे हैं हमने एक चिट्ठी देके एसके रूट बता दिया, फिर आप कहते हैं रूट मिला नहीं, रूट लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ, आप कहते हैं प्रधानमंत्री। हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चाह रहा था, ठीक है, ये पूरा पूरा विश्व हंस रहा है, परविंदर पाल सेठी जी पूरा विश्व हंस रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं जिंदा बच के आ गया, नौटंकी बंद कीजिए सर। वो 9 जथेबंदियों ने बोला कि हम करेंगे विरोध, ये नौटंकी बंद करवाइए, नहीं करना, ये नौटंकी की है बीजेपी ने पूरी तरह से, रैली फ्लॉप थी इसलिए नौटंकी हुई है। तो आप रैली स्थल तक जाने देते ना साहब, आप जाने देते, अवरोध हटाते, जाने देते खाली कुर्सी, इससे बड़ा तमाचा क्या होता, इससे बड़ा चुनावी फेलियर क्या होता। परविंदर पाल सेठी जी यहाँ पर बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग बयान आ रहे हैं, हम बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। चन्नी साहब, फिर आधी रात को किसको जगा के किससे सलाह मशवरा कर रहे थे कि भाई हटिए, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम टाइम दिलाएंगे, हट जाइए, रास्ता क्लियर कीजिए। यहां पर कह रहे हैं कि जी क्लियर ही नहीं, पता ही, रूट जो है लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ। आप खुद सरकार का आप लोग हिस्सा रहे हैं, आप समझते हैं, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये जो बहस हो रही है ना, इसका कोई मुझे सिर पैर नजर नहीं आ रहा। जो प्रवक्ता वो एक्सपर्ट सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन गए हैं। देखिए जो एसपी जी है उसकी दिल्ली के अंदर जिम्मेवारी होती है, अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो उस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ का रास्ता क्लियर कराए, उनके कोऑर्डिनेशन में कमी थी। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे कि जो बेअदबी का मामला है, जो लुधियाना ब्लास्ट का मामला है और जो पीएम के साथ जो घटना घटी है, ये मामला, इन सारे घटनाओं की जांच इन सबको जोड़कर की जाए, क्योंकि पंजाब का भाईचारा, पंजाब का माहौल जो खराब करने के पीछे कौन सी संस्था काम कर रही है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन सा देश काम कर रहा है, इसको बेनकाब करना बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर सरकार, देखिए इंक्वायरी तो होगी लेकिन तीनों घटनाओं को जोड़कर इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के लिए बड़ी आपको मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर नजर आता है, बड़ी चिंता की बात है कि पंजाब के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी के साथ जी, तो आपको कहीं ज्यादा, आलोक जी यहाँ पर सवाल यही है। ठीक है, मैं आपको भी पूरा वो पढ़ के बता सकती हूँ, रिसर्च जो हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, आपके पास अपनी रिसर्च है, लेकिन क्या ठीक है अगर आप एसपीजी पे सवाल उठा रहे हैं? अभी संजू वर्मा ने कहा कि ठीक है एक बार को मान लेते हैं एसपीजी की भी गलती थी, इंटेलिजेंस भी फेलियर था, स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन चिट देंगे चन्नी सरकार को? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे ना आप, 30% 40% 50% कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना। मैं तो कह रहा हूं कि एक मिनट पिनाज जी मैं तो इस बात पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं कि अभी से गृह मंत्रालय ने कैसे तय कर लिया क्या एसपीजी की कोई गलती नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या एसपीजी को एक नोटिस तक नहीं जाना चाहिए था? जो पूर्ण रूप से, मैं वर्ड पढ़ता हूं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है एक्ट में, कोऑर्डिनेशन का काम पूरी तरह से एसपीजी का होता है कि तमाम लोकल एजेंसी से वो कोऑर्डिनेट करेंगे, और 3 दिन पहले एसपीजी उस वेन्यू को जाकर घेर लेती है, एसपीजी वहां लोकल पुलिस को घुसने नहीं देती है, लोकल पुलिस को घुसने नहीं देती है जब तक रिटर्न का नहीं चल रहा। और भी बातें लिखी हुई है उसके आगे, ये भी लिखा हुआ है सुरक्षा घेरे में भारी घेरे की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है, उस स्थानीय पुलिस की आगे का रूट क्लियर करती है, स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है, स्थानीय पुलिस ही सूचना को फॉलो करते हुए काफिले आगे बढ़ता है, अगर कोई रूट में प्रॉब्लम है तो स्थानीय पुलिस एसपीजी को अल्टरनेट रूट सजेस्ट करती है। आपने ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, नीचे का नहीं पढ़ा साहब। मैं तो ये कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है, वो भी एक हाई सेंसिटिव स्टेट पंजाब में, तो जिम्मेदार, लेकिन सवाल एसपीजी से भी पूछे जाएं, सवाल इंटेलिजेंस से भी पूछे जाएं, और सवाल पंजाब सरकार से भी पूछे जाएं। हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देश का सवाल है, आप इसे प्लीज पार्टी हित से ऊपर उठ के सोचिए। तो सवाल दर्शकों से भी पूछा था कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध एक साजिश है, 90% लोगों का मानना है हाँ, 9-10% लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। आपकी राय आपने लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा पूरा पैनल यहां पर मौजूद रहा, आपका भी शुक्रिया।